Welcome to Chaudhary Mobile Zone, Park Patan. आज इन्फिनिक्स का फ़ोन आया है हॉट 30। इसका फॉल्ट ये है कि इसके सिग्नल नहीं आ रहे। वाटर डैमेज था, आपको चेक करवाता हूँ। ये इन्फिनिक्स हॉट 30 प्ले, ये देखो ऊपर नो सर्विस आ रहा है, ना 2G ना 3G ना 4G, कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे। आज इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह और चेक करेंगे ये फॉल्ट किधर है। अभी तक भी सिग्नल नहीं आए। चलो सबसे पहले सिम बाहर निकालते हैं इसकी। उसके बाद इसको ओपन करते हैं। ये स्कैनर ओपन हो गई। अभी मज़ीद मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें, सिग्नल सेक्शन पर पहले भी काम हुआ है। ये देखें, इसकी पतरी बाहर निकली हुई है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। बाहर आ गया बोर्ड। दूसरी साइड पर काम नहीं हुआ। अभी सबसे पहले हम पीसी पर चलते हैं, बोर्नियो में चेक करते हैं इसकी डायग्राम है या नहीं। इधर हम X8835 लिखते हैं। ये देखें, इसमें इसकी डायग्राम नहीं है। तो इससे रिलेटेड एक मैंने डायग्राम निकाली है, इन्फिनिक्स। इधर हम सर्च कर लेते हैं X6515। इधर लिख लेते हैं 6515। अभी सर्च करते हैं। ये देखो, ये एक फाइल मिल गई है। इधर से मैंने ये सिग्नल सेक्शन निकाल लेना है इसका। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 है, ये इसका सिग्नल सेक्शन है। उसका और इसका बोर्ड काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये इसका 2G IC है, एंटीना RF। ये इसके VBAT है, फिर 1.8 वोल्टेज है। तो हमने इधर से शुरू करना है क्योंकि इधर काफ़ी सारा काम हुआ हुआ है। 2G सिग्नल भी नहीं आ रहे। इससे आगे ये 4G IC है इसकी, ये VBAT है इसकी, साथ में 1.8 थी। ये बाकी पावर आईसी इसकी। हमें सबसे पहले 2G IC को चेक करेंगे, ये सारे वोल्टेज चेक करेंगे और चेक करेंगे आई से ये किधर से फॉल्ट शो हो रहा है। प्रॉपर VBAT इसको मिल रही है, 1.8 मिल रहे हैं। फिर आगे हम इसके चेक करेंगे एंटीने को। ये इसकी सारी डायग्राम है, बाकी हम बाद में चेक करेंगे। पहले शुरू से चेक करेंगे एंटीना की तरफ से। ये डायग्राम दिखाने का मकसद है कि आप दोस्तों को अगर किसी को और चीज़ की भी ज़रूरत हो आप आसानी से देख लें। चलते हैं हम माइक्रोस्कोप में। ये देखिए, इसका 2G IC है। इसकी काफ़ी हालत ख़राब की हुई है। इधर से कैपेसिटर वगैरह साफ निकाले हुए हैं।
सबसे पहले हम इसकी वी बैट चेक करेंगे, ये 3.6 मतलब बिल्कुल ओके आ रही है, इसको वी बैट मिल रही है। आगे हम 1.8 चेक करेंगे, मोबाइल को ऑन करके क्योंकि वी बैट तो पहले ही मिल जाएगी, लेकिन मोबाइल का 1.8 ऑन करने के बाद मिलेंगे। ये ऑन किया फ़ोन, ये देखो 1.8 भी आ रहा है, ये वी बैट आगे तक, ये इधर देखें तो थोड़ा जंग लगा हुआ है, शायद वाटर डैमेज की वजह से ये ख़राब हो गया। वो इधर वी बैट मिल रही है, मुझे थोड़ा सा मैं क्लियर करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम इसके पत्ते को बाहर निकाल लेते हैं, बोर्ड को भी बाहर निकालते हैं। ये बोर्ड बाहर आ गया, अभी हम चेक करेंगे इसको पहले आई से। इधर थोड़ा सा मैं जूम क्लियर करके आपको बताता हूँ। ये देखें, ये दोनों अंदर की तरफ से ये वी बैट पर बिल्कुल जंग लगा हुआ महसूस हो रहा है, जैसे ये पॉइंट टच नहीं हो रहे हो आईसी के साथ। ये देखें, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये वी बैट इसको टच नहीं हो रही, महसूस हो रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको आईसी को बाहर निकालेंगे और फिर अच्छे से वॉश करके चेक करेंगे। अभी मैं इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगा के इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले कैमरे उतार लिए मैंने, अभी इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे। इसको हमने बाहर निकालना है। ये देखो, ये आ गया। अभी थोड़ा सा हम साफ करके इसको चेक करेंगे। ये इसकी वी बैट के पॉइंट डैमेज तो हैं, लेकिन लग रहा है कि इसको वी बैट मिल रही होगी। अब इधर से हम चेक कर लेते हैं, ये प्रॉपर कनेक्टेड है, इसको वी बैट ठीक थी। अभी इधर चेक करते हैं, ये पॉइंट भी ठीक है, ये देखिए थोड़े से हैं लेकिन ठीक है। मज़ीद हम इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगा के इसको काविए से थोड़े से पॉइंट और बना लेंगे, ताकि ये मज़ीद अगर कुछ कमी है तो वो भी कनेक्ट हो जाए। थोड़ी सी पीपीडी पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद काविया से हम इसको टच कर देंगे। ये देखो, ये पॉइंट थोड़े से ऊपर उठ गए। अभी हम आईसी को इस पर दोबारा लगा देंगे। इसको थोड़ा सा प्रॉपर बिठा के अभी हीट देनी शुरू करनी है हमने। इधर बैठ गया प्रॉपर, अभी थोड़ा सा ये बिल्कुल प्रॉपर लग गया। देखें,
इसको रिबॉल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके पॉइंट काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। चले माइक्रोस्कोप से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा बोर्ड ठंडा हो लेने दिया। अभी इसको हम फिट करके चेक करेंगे कि हमारा जो सिग्नल वाला प्रॉब्लम था वो हल हुआ या मज़ीद आगे चेक करना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, 10 मिनट से ऊपर भी हो जाएगी। काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की थी इसको, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अभी तक सिग्नल नहीं आए, कुछ देर वेट करते हैं। ये सिग्नल आ चुके हैं, ये देखें इसके सिग्नल बिल्कुल ओके हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।